हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम सी किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। होली के दिन ठंडाई सभी एंजॉय करते हैं। होली खेलने का मज़ा ही तब आता है जब खाने पीने की चीज़ें हों, दोस्त हों, कलर हों। आज हम बेसिक ठंडाई बनाना बताएंगे, जो कि बेसिक ठंडाई मसाला बाहर मार्केट में मिलता है ना, उसको हम लोग घर पर बना सकते हैं। उसे बहुत सारे डेजर्ट आप घर पर रेडी कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आप सभी को बताऊँगी कि आप किस तरीके से वो बना सकते हैं। तो फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठंडाई पाउडर बनाने के लिए एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में डालना है 1/4 कप बादाम। ये सभी ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हमें रोस्ट करना है। और 1/4 कप ही हमें यहाँ पे काजू लेना है। मैंने यहाँ पे साबुत काजू लिया है। 1/4 कप ही यहाँ पे ग्रीन वाला पिस्ता लेना है। और 10 से 12 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, बहुत अच्छा पंच आएगा। और 5 से 6 हरी इलायची। इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए आप इसको रोस्ट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसमें जो हल्का सा मॉइस्चर होता है ना, बस वही निकालना है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और अब ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून पॉपी सीड्स खसखस, 2 टेबल स्पून मेलन सीड्स और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सौंफ यूज़ की है, बड़ी वाली सौंफ है। और यहाँ पर अब मैंने लिया है रोज़ पेटल्स, मतलब ड्राई रोज़ पेटल्स हैं, आपको किराने के स्टोर पे मिल जाएंगे ये आसानी से। बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुलाब की पत्तियों का। और यहाँ पर मैंने 10 से 12 केसर के थ्रेड लिए हैं। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा। और नहीं आप यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से, मैंने और खरबूजे के बीज लिए हैं। और इन सभी चीज़ों को, जैसे कढ़ाई हमारी गर्म है ना, तो बस उसके साथ में हमें थोड़ा सा रोस्ट कर देना है। उसकी जो गर्माहट होगी, इससे इसमें एक क्रंचीनेस आ जाएगा। जब सभी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं तो इसमें डाल देंगे 2-3 पिंच नटमैग पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी ठंडाई में। अब इन सभी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब भी हमें पीसना है तो पूरा ये ठंडा होना चाहिए अच्छे से, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये अपना ऑयल रिलीज कर देंगे। और इसे हमें ध्यान रखिएगा पल्स मोड पे पीसना है, थोड़ा रुक रुक के मिक्सी को बंद करें और चलाएं, तो इस तरह का पाउडर बनकर रेडी होगा। आप चाहें तो बहुत ही बारीक भी पीस सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा दरदरा पीसा है। अब एक प्लेट लेंगे, प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ी सी रोज़ पेटल से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ठंडाई मिक्स रेडी हो गया है। अब हमें करना क्या है, एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें डाल दिया 2 कप मिल्क, नॉर्मल मिल्क डाल दीजिएगा। और ऐड करेंगे 4 चम्मच ठंडाई मिक्स, शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आप लोगों घर में पसंद है, कुछ आइस क्यूब्स, जिससे एकदम ठंडी ठंडी ठंडाई हमारी बनकर रेडी हो। जार लगा कर इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी ठंडाई हम लोगों ने घर पर बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत ही यमी लगता है फ्रेंड्स। और होली का मज़ा ही तभी आता है जब ठंडाई हो और बहुत सारे स्नैक्स हो। मेरे घर में ठंडाई सभी को बहुत ही पसंद है। आप मुझे बताइए कि आपको कौन से स्नैक्स अच्छा लगता है होली पर। तो इसको देखिए हम लोगों ने पोर कर लिया ग्लास में, और कलर वाइज और टेस्ट वाइज बहुत ही लाजवाब है। थोड़े से पिस्ते की कतरन से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं, रोज़ पेटल से गार्निश कर लेते हैं, एक एक रोज़ पेटल रख दिया। और ये देखिए ठंडा, बिल्कुल ठंडी ठंडी हमारी ठंडाई रेडी है। और ये बेसिक ठंडाई है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आप बहुत सारे फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। और ये ठंडाई मसाला मिक्स रेडी है। आप इसे खीर बना सकते हैं, फिरनी बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। ठंडाई फ्लेवर आइसक्रीम आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय।